नमस्कार दोस्तों, आज मैं लगाने वाला हूँ शहतूत की कटिंग और इसको कैसे लगाना है मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक वॉच जरूर करें और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों देखिए, मैंने कुछ कटिंग्स ली हुई हैं अपने शहतूत के पेड़ से और ये कटिंग काफ़ी लंबी है, तो जल्दी से मैं अपनी कटिंग्स को छोटी कर लेता हूँ और कुछ कटिंग्स को मैं बड़ी रखूँगा। दोनों टाइप की कटिंग्स मैं आज आपको ग्रो करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने दो टाइप की कटिंग्स ली है। एक जो कटिंग है वो उसका साइज है तकरीबन आपका 1.5 से 2 फीट और दूसरी जो कटिंग का साइज है उसका है आपका 15 से 20 सेंटीमीटर की कटिंग का साइज लिया है। और जो उसका ब्रीथ होता है, जो उसकी मोटाई होनी चाहिए, वो आपकी आधा सेंटीमीटर ही से मोटी आपको कटिंग नहीं लेनी है। और देखिए, कटिंग कट करने के बाद मैंने जिस पर शार्प कट लगाया है, शार्प कट लगाने के बाद तो देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा इसको अपने चाकू से या फिर आपके पास जो भी आपके पास होगा उससे आपको थोड़ा छील लेना, ताकि जो रोट्स हैं वो उसकी आसानी से निकल सके। तो देखिए, मैंने कटिंग में अपना शार्प कट लगाया है और ऊपर से थोड़ा सा कटिंग को अच्छे से साफ कर लिया है, ताकि जो मेरी रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो देखिए, कटिंग को कट करने के बाद इसके बाद उसको क्या मैंने साथ में क्या लिया है, जब मैं कटिंग को अपनी लगाऊंगा तो उसको किस तरह से लगाना है, उसके लिए आप हार्मोन्स पाउडर का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास हार्मोन्स पाउडर नहीं है तो आप एलोवेरा है तो आपके पास तो एलोवेरा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा आपका हार्मोन्स पाउडर की तरह काम करता है। चलिए, मैं आपको अपनी कटिंग लगा के दिखा देता हूँ। इसके लिए देखिए, पहले मैंने मिट्टी जो ली है, मैं सिंपल मिट्टी में ही अपनी कटिंग को लगाने वाला हूँ। अगर आप शहतूत की कटिंग को गमले में लगाना चाहते हैं तो उसकी जो मिट्टी चाहिए और जो उसके लिए खाद चाहिए, उसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाके अपना मिक्सचर तैयार कर सकते हैं और फिर उसमें आप अपनी कटिंग को लगा सकते हैं। तो देखिए, मेरी ये सिंपल मिट्टी है, इसमें मैं अपनी कटिंग को लगाने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, इसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, अपनी कटिंग के लिए इसमें स्पेस बनाना होगा, कुछ गड्ढे करने होंगे। तो गड्ढे का साइज होना चाहिए कम से कम, अगर आपका 2 फीट की कटिंग है तो फिर आपको कम से कम 10 सेंटीमीटर तक का गड्ढा कर लेना है। और उसके बाद अगर आपकी कटिंग का साइज 20 से 15 सेंटीमीटर है तो उसके लिए आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का गड्ढा कर लेना है। तो देखिए, मैंने अपने कुछ गड्ढे कर लिए हैं जिनमें मैं अपनी कटिंग को लगाने वाला हूँ। अब गड्ढे आपको उन कटिंग से नहीं करने हैं जो कटिंग आपने तैयार की है, एक अलग कुछ डिवाइस से या फिर कुछ लकड़ी से आप उन गड्ढों को करेंगे, ताकि जो अगर आप कटिंग से ही गड्ढा करेंगे तो कटिंग में क्या होगा, जो मिट्टी है उनकी रूट्स में घुस जाएगी और रूट आपकी प्रॉपर प्रोपोगेट नहीं होगी। तो इसलिए मैंने एक अलग से एक लकड़ी ली हुई है, उससे मैं गड्ढा कर रहा हूँ। और गड्ढा करने के बाद फिर मैं अपनी कटिंग को लगाऊंगा कि आपको कैसे अपनी कटिंग को लगाना है। तो देखिए दोस्तों, मैं अपनी कटिंग का जो निचला पार्ट है जो ज़मीन में जाएगा उसको एलोवेरा में डिप करूंगा अच्छे से, और डिप करने के बाद जो मैंने अपने गड्ढे का स्पेस बनाया है उसमें इसको पुट कर दूंगा। और इसको रखना सिर्फ एक बार में ही है कटिंग को, इसको बार बार इसको छेड़खानी नहीं करनी है। और कटिंग के चारों तरफ से अच्छे से मिट्टी रख देनी है, ताकि जो कटिंग है हिले डुले ना। अगर आपकी कटिंग ज़्यादा बार हिलेगी तो क्या होगा, आपकी कटिंग अच्छे से प्रोपोगेट नहीं होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार में ही कटिंग जो आपके लिए है उसने गड्ढे में प्लेस करें और उसके चारों तरफ मिट्टी से अच्छे से उसको टाइटली दबा दें। तो इस तरीके से आपको अपनी कटिंग अपने गड्ढों में लगानी है। तो जल्दी से मैं अपनी सारी कटिंग, जो आप 2 फीट वाली कटिंग है और जो 15 से 20 सेंटीमीटर वाली कटिंग है, दोनों को ही अपने गड्ढों में लगा देता हूँ। और लगाने के बाद उसे अच्छी तरह मिट्टी से टाइटली बाइंड कर देता हूँ, ताकि जो हिले डुले ना। उसके बाद आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए, मैंने अपने 2 फीट की कटिंग को लगा दिया है, अब मैं अपने 15 से 20 सेंटीमीटर वाली कटिंग को भी लगा देता हूँ। जो इनके गड्ढे के स्पेस है मैं काफ़ी दूर दूर रखे हैं, कभी बाद में जब भी कटिंग ग्रो होंगी तो मैं इसको अच्छे से निकाल सकता हूँ। अगर मैं पास पास ही कटिंग को लगा दूंगा क्या होगा, इनकी रूट आपस में मिल जाएगी, और जब इसको मैं निकालूंगा कहीं दूसरे प्लेस पर लगाने के लिए तो क्या होगा, फिर ये आपस में टूटने लगेगी, तो अच्छे से प्रोपोगेट नहीं हो पाएगा हमारा पेड़। तो कटिंग लगाने के बाद आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जल्दी से मैं इन कटिंग को लगा देता हूँ। कटिंग लगाने के बाद आपको सिंपल एक काम करना है, काम ये करना है, देखिए कटिंग नीचे का जो पार्ट है वो तो मिट्टी के अंदर है, पर जो ऊपर का पार्ट है वो क्या है आपका, अभी ऐसे ही है। अगर ये कटिंग आपकी धूप में ज़्यादा रही तो ये आपका ऊपर का पार्ट क्या होगा, सूखने लगेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, तो आपके पास वैक्स है तो ऊपर जो इसका पार्ट पे है वैक्स लगा दीजिए, या फिर अगर आपके पास वैक्स नहीं है, अगर आप गांव वगैरह में इस कटिंग को लगा रहे हैं तो आपके घर पे गोबर वगैरह ज़रूर मिल जाएगा, तो इस कटिंग के ऊपर गोबर लगा दीजिए। मैं इस पे गोबर लगाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास वैक्स नहीं है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर गोबर की कैपिंग कर दूंगा।
कैपिंग करने से क्या होगा, इसके ऊपर की जो परत है वो सूखेंगी नहीं और हमारी जो कटिंग है अच्छी तरह ग्रो करेगी। देखिए मैंने अपनी कैपिंग कर दी है और कैपिंग करने के बाद आपको सिंपल इसमें अपना पानी देना है, पानी इतना देना है। अगर आप गमले में भी पानी दे रहे हैं तो आपको पानी इतना देना था कि आपकी मिट्टी अच्छी तरह से पानी को सोख ले। तो इसमें मैं अच्छे से पानी दे देता हूँ और पानी देने के बाद इसको कटिंग को आपको याद रखना है कि आपको 5 से 6 दिन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको पानी ज़रूर देना है डेली। इसको आपको अपनी कटिंग को पानी देना है। पानी देने के बाद आपको मैं कुछ दिनों बाद दिखाऊंगा कि जो मेरी कटिंग है वो कैसी ग्रो कर रही है कैसी नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ दिन बाद मिलता हूँ अब। तो देखिए दोस्तों आज 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन बाद देखिए जो मेरी सैतूत की कटिंग थी वो देखिए जो छोटी कटिंग थी उनमें देखिए रूट निकलनी स्टार्ट हो गई है और काफ़ी अच्छी रूटें निकल रही हैं। देखिए आप नीचे दिखा सकता हूँ मैं आपको। और देखिए साथ में जो मेरी कटिंग थी जो काफ़ी बड़ी थी कम से कम 1 से 2 फीट की थी कटिंग, उसमें भी रूट निकलनी स्टार्ट है। देखिए यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, यहाँ से आपके पत्ते जो लीफ है वो निकलेंगी। तो दोस्तों आज हमारी कटिंग का 6ठा दिन है और इन कटिंग में जो रूट्स निकली हुई हैं उनमें से पत्ते निकलना स्टार्ट होने वाला है और ये मैं इसको पानी भी दे दिया है। आप जब भी आपकी मिट्टी ड्राई लगे आप इसमें एक बार पानी ज़रूर दें। और देखिए दोस्तों जो मेरी कटिंग थी 2 फीट की उनमें भी लीफ निकलने के लिए रेडी है। अब जब इसमें लीफ निकल जाएगी तो इसको क्या करूँगा मैं, आप अपना इनको ट्रांसप्लांट कर दूंगा कहीं स्पेस देख के, क्योंकि अगर पास पास ही लगेंगे तो ये बड़े होने के बाद इनमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी, तो इसको मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो तकरीबन 10 दिन बाद मैं इनको ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो आप भी इस तरीके से अपनी कटिंग को लगा सकते हैं। थैंक यू।